मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकंड की ईवीएस चैप्टर नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, एट्थ क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा, किस किस के बारे में पढ़ा आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखो, पहले हमने देखा था ह्यूमन बॉडी, आज हमारी लास्ट क्लास है तो एक बार थोड़ा सा पूरा सा जल्दी जल्दी से हम रिविज़न कर लेते हैं। पहले ह्यूमन बॉडी क्या होती है, मनुष्य का शरीर, उसके बारे में जाना कि मनुष्य का शरीर बनता कैसे। आपने देखा था किस किस से बना, बोन्स और मसल्स से। फिर देखा कि जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बोन्स आपने देखा हार्ड होती हैं, बट जो मसल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। और बोन्स से ही हमारा क्या बनती है, शेप बनती है हमारे शरीर की, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मीन्स ज्ञान इंद्रियाँ जो हमारी होती हैं पाँच, उनके बारे में हमने जाना था कौन कौन सी, जैसे आइज। अब आइज में क्या था, आइज का वर्क हम सबको पता है कि देखने का है, और जिनके पास आइज नहीं होती है वो हमारी चारों तरफ की रंग बिरंगी दुनिया को देख ही नहीं पाती है। और बट आइज को जो प्रोटेक्ट सुरक्षित रखती है, सेफ रखती है, उन चीज़ों के बारे में भी जाना कौन कौन सी थी, आइज लेसेस और आइज लिड मीन्स पलकें और पलकों के जो बाल होते हैं वो सेफ रखती हैं, अगर जो ये ना हो तो हमारी आइज में क्या होता है, डस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो वो सब देखा था, फिर डस्ट चला जाता तो हमें पता है आंसू निकलते हैं हमारी आइज से, तो ये सारी चीज़ें हमने सेंस ऑर्गन आइज में पढ़ा था। उसके बाद फिर ईयर आया हमारा, यानी कान, जिससे हम सुनते हैं किसी की बातों को या कुछ भी, ठीक है, गाने या कुछ भी चीज़ हो सकती है जिससे सुनने का काम होता है, ठीक है। और जो पीपल डीफ, पीपल मीन्स बहरे जो लोग होते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता, मीन्स किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हम लोगों को जो सुनने वाले होंगे उनको तो पता चल जाएगा कि अगर जो मैं एक क्लैप करके आपको क्लास में एक्टिविटी टीचर्स कराते हैं तो क्लैप करके या कुछ भी होता है तो आपने देखा होगा कि आइज़ वगैरह आपकी क्लोज करवा दें और उसके बाद देखते हैं कि किस डायरेक्शन में साउंड आ रहा है, तो आप एकदम बता देते हो सुन के कि मैम इधर की तरफ आपने ताली बजाई है, क्लैप की है। और भी हो सकते हैं कोई भी साउंड किसी चीज़ का निकालें तो डायरेक्शन के थ्रू हमें पता चल जाता है साउंड, किससे पता चलेगा, हमारे ईयर से, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में साउंड हो। उसके बाद हमने नोज़ के बारे में जाना था, नाक, नाक का काम क्या होता है, ब्रीथ और स्मेल करना, ब्रीथ सांस लेना और स्मेल का वर्क मीन्स सूंघने की शक्ति, दो चीज़ें इसके पास होता है इसका वर्क, ठीक है, कि अच्छी खुशबू आ रही है, गंदी खुशबू आ रही है, और सांस लेना तो होता ही होता है, ठीक है। और जब जुकाम हो जाता है तो क्या होता है, ये जो एबिलिटी है, ये वाली जो क्षमता होती है योग्यता कम हो जाती है, सूंघने की नहीं रहती, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टंग, टंग के बारे में क्या जाना था, जीभ, जीभ क्या होती है कि टेस्ट के लिए होता है, आप सबको पता है, ठीक है, तो और बोलने में भी ये हेल्प करती है, तो इसमें हमने टंग में ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि किस किस तरह से ये वर्क करती है। और स्किन लास्ट ऑर्गन आपका बॉडी का, सेंस ऑर्गन स्किन, स्किन क्या होती है, ये हमारी जो बॉडी के इंटरनल पार्ट है उनको क्या करती है, कवर करके रखती है। इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपका ब्रेन हो गया, स्टमक हो गया, और ये लंग्स हो गए, ये सब अंदर ही तो है ना, आपकी बॉडी के जो अंदर हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ाया तो आपको नज़र आया, अदरवाइज क्या ये ऐसे दिखते हैं, हमारे बाहर की तरफ नहीं दिखते हैं, तो ये होते हैं हमारे इंटरनल पार्ट, ठीक है। तो इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है कौन, स्किन, और ये हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है, और ये फील, इट हेल्प अस फील, और ये हमारी सहायता करता है महसूस करने में, ठीक है, कि क्या चीज़ गर्म ठंडी या चोट लगी या कुछ भी है, यानी फीलिंग में ये हेल्प करती है, क्या, स्किन। ये हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन था। उसके बाद हमने ब्रेन के बारे में जाना था कि ब्रेन क्या है, ब्रेन का क्या वर्क होता है ना, ये ऑल फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, और थिंकिंग पावर होती है इसके पास। उसके बाद स्टमक के बारे में जाना कि स्टमक का क्या वर्क होता है, तो सबको पता है क्या वर्क होता है। उसके बाद हमने लंग्स के बारे में जाना, ठीक है, आज जब हम जानेंगे वो है हार्ट, हार्ट का क्या वर्क होता है ये और कैसे काम करेगा। उसके बाद देखते हैं बेटा हार्ट का, हर्ट देखो क्या है, द हर्ट इज द साइज ऑफ योर फिस्ट, फिस्ट क्या है आपकी मुट्ठी, जो हमारा जो हर्ट है वो देखा है किसके साइज का होता है, कितने आकार का हमारी जो मुट्ठी होती है उतने ही आकार का होता है, ठीक है, हर्ट हृदय जो हमारा दिल है उतना ही आकार उसका होता है, फिस्ट मुट्ठी होता है, आप लिख लोगे यहाँ वर्ड मीनिंग बाद में। इट पम्प्स ब्लड टू द होल बॉडी, और ये जो होता है पम्प, ब्लड को पंप करता है कौन, हार्ट, हमारी बॉडी में, ठीक है। वाइल हैंड्स आर्म लेग एक्सेट्रा आर ऑल इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी,
क्या कह रहा है ये, और जो हमारे जैसे हैंड है या आर्म्स मीन्स बाँह, ये पूरी बाजू, लेग्स पैर एक्सेट्रा, और भी बॉडी पार्ट जैसे नोज ईयर, ये सब क्या है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स, मीन्स हमारे जो बॉडी के हैं बाहरी पार्ट हैं, ठीक है, इंटरनल बाहरी होते हैं ऑफ द आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बाहरी पार्ट्स हैं। कौन कौन से? लेग्स, आर्म्स, हैंड, नोज, ये बहुत सारे हैं। द ऑर्गन्स लाइक, कुछ और भी ऑर्गन्स हैं लाइक, जैसे ब्रेन, मस्तिष्क, लंग्स, फेफड़े एंड हार्ट यानी हृदय आर इनसाइड आवर बॉडी। और जो ये जो पार्ट्स तीन और भी बहुत सारे पार्ट हैं, ये हमारे क्या हैं, हमारी बॉडी के अंदर हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड आवर इंटरनल पार्ट्स। और जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं पार्ट्स, इनसाइड होते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर के पार्ट्स, ठीक है, कह सकते हैं उनको, यानी आंतरिक पार्ट कहेंगे उसको। और जो हमारे बाहर जो हमें दिखते हैं वो क्या कहते हैं उनको, एक्सटर्नल पार्ट, बाहरी अंग, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि नॉर्मली इसमें कुछ लाइनें आपकी हार्ट के बारे में बता रखी हैं कि हार्ट का जो आकार होता है वो क्या होता है, फिस्ट मुट्ठी जितना होता है, और इसका क्या वर्क है, ब्लड को पंप करता है ये, ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट करने में ये हेल्प करता है कह सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं कि आपको क्या है इसका होमवर्क। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, कि जो जो हमारी बॉडी के थोड़ा जो एक्सप्लेन आपकी जितना लेवल है अभी छोटी क्लासेस में उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो होमवर्क है वो आपका ये है कि जो ये देखो वर्ड्स आई लर्नड जो दे रखा है इसमें बेटा, ये वर्ड मीनिंग्स दे रखी होती है कुछ, ठीक है, इनकी डेफिनेशन टाइप में होती है, इनको क्या करना है आपको लर्न करना है, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है। और जो आपका काम ये है कि जो बी क्वेश्चन है इसमें आप जो पूरा ही पढ़ चुके हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, लेफ्ट रह गए थे, तो उनको अब आप कर लोगे। और क्या है आपका डी का, और ये भी मैचिंग में भी अब सब हो जाएगा क्योंकि सेंस ऑर्गन हम पहले ही कर चुके थे, ब्रेन से पहले ही, तो आपका ये पहले ही हो चुका है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का क्या फंक्शन होता है। अभी मैंने आपको बताया था ब्लड को पंप करता है, तो क्या उसका फंक्शन है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है, और डी वाले क्वेश्चन का सेकंड। तो आज की जो क्लास है हमारी यहीं पर फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है आपका चैप्टर अगला, तो वैसे हाउस है, उससे पहले एक स्टोरी आपके में गिवन है, हाइजीन यानी स्वच्छता के बारे में दे रखी है कि हमें कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए ये सब, तो ये आप पहले अपनी बुक से पढ़ के रखना ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करें तो आप आसानी से इसको समझ सकें। ये सिर्फ स्टोरी है हमारे लिए, और चैप्टर तो हमारा थर्ड हाउस के बारे में, तो हम आगे क्लास देखते हैं कि स्टोरी पहले थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे, आप पढ़ के रखोगे तो फिर चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे बाकी।